प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति करते हैं मेरे चिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस रविवार के दिन पिता परमेश्वर, रविवार संडे दिन पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस पवित्र दिन के लिए। हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदा की आज हमें बरकत और आशीष देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग इस पवित्र दिन के लिए आज परमेश्वर को आपको समय देना होगा। आज आपको वचन को ध्यान पूर्वक सुनना होगा। आज आपको प्रार्थना को ग्रहण करना होगा कि परमेश्वर आपकी जीवन में बरकत दे, आपको आशीष दे और आपकी जीवन में ढेर सारी खुशियां दे, क्योंकि परमेश्वर आज हर एक प्यासे मन को परमेश्वर तृप्त करने जा रहा है। आज आप प्यासे हैं, आज परमेश्वर आपको तृप्त करने जा रहा है। आज आप छुटकारा पाना चाहते हैं, बीमारी से चंगा होना चाहते हैं, हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर एक प्रकार की संख्याओं से, हर प्रकार की मुसीबतों से, हर प्रकार की चिंताओं से यदि आजाद होना चाहते हैं तो आपको ध्यान पूर्वक इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, स्वीकार करना होगा कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बरकत और आशीष देने जा रहा है। जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे चिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस समय हम पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में आपने एक नया सूर्योदय किया पिता परमेश्वर, और उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद, एक नई किरण दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और इनके जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक पिता परमेश्वर, हर पल हर समय हर घड़ी आप इनको संभालेंगे, चाहे वो शाम हो चाहे सुबह हो। पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में बरकत दे। इस समय जो भी मसीह भाई बहन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को करते हैं, प्रार्थना इनकी जिंदगी में पिता परमेश्वर इनको बहुत ब्लेस करेंगे, आप आशीष करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो आज टूट चुके हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं, जिनका कोई साथ नहीं देता है, परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर यकीन रख, विश्वास रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। यदि आज आप धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर जिसने संसार को, जिसने सृष्टि को रचा, जिसने आपको बनाया, आपके घर को, आपके परिवार को और आपको सुरक्षित रखा, आपके प्राणों की रक्षा की, तो आज वही खुदा आपकी जिंदगी में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यदि इस समय आज आप बीमार है, चिंतित है, अपने घर को लेकर के परेशान है, तो आज कमेंट के माध्यम से बताइए, अभी कमेंट करिए कि परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन आज आपको बरकत और आप आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम दुआ करते हैं पवित्र आत्मा और इस पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर की आपने ठहराया है कि तो हर पल हर समय हर घड़ी जो काम काज करता रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें विशेष ध्यान से देना चाहिए, याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा है कि तू पवित्र परमेश्वर के दिन तो हर पल हर समय हर घड़ी उससे प्रार्थना कर, विनती कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और जवाब दूंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा। यदि आज आप चिंतित हैं, आज बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हो चुके हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, और बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से, हर प्रकार की मुसीबत से वो आपको आजाद करने वाला खुदा है। वो आज आपकी जिंदगी में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है, किसी भी चीज़ की कोई घटी और कमी नहीं होगी। यदि आज इस प्रार्थना को आप विश्वास के द्वारा धैर्य रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने क्या है, प्यासा मन परमेश्वर किस तरीके से तृप्त करता है, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। दाऊद का भजन कहता है, दाऊद जिस तरीके हमें समझाते हैं, राजा दाऊद हमें बहुत अच्छी तरीके समझाते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रख, विश्वास रख। यदि इस सुंदर से पवित्र दिन के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है, आपको बनाया है और परमेश्वर ने रचा है, तो विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग जुड़ सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग विनती कर सकें यीशु नासरी के नाम से। हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं, समझाते हैं, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर से क्या कहते हैं राजा दाऊद यहाँ पे, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। क्या याद आज, क्या आज आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मेरा यहोवा है, वही मेरा ईश्वर है, वही मेरा भगवान है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा खुदा है, जिसने मुझे प्राणों की रक्षा की, मुझे देख रेख की, मेरे घर को, मेरे बच्चों को आशीष दी। यदि आज आप सभी लोग आशीष को पाना चाहते हैं, तो कमेंट हर एक मसीह भाई बहन करेगा, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए दुआ कर सके, पूरे संपूर्ण मन से
आज बिलीव रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है इस नासरी के नाम से। आज आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको कहीं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो खुदा, वो परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चे का, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपकी जनरेशन में परमेश्वर काम करने वाला है इस नासरी के नाम से। आपके पूरे जनरेशन की जो ज़िंदगी है, लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी इस नासरी के नाम से। आज विश्वास रखिए खुदा पर, उस परमेश्वर पर विश्वास रखिए जिसने मुर्दों को जिलाया, जिसने लकवे के रोगियों को ठीक किया, जिसने अंधे को ठीक किया, जिसने अनेक प्रकार की कोढ़ियों को ठीक किया, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, उन्हें पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, उन्हें नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई किरण उनके दिल में जगाया, कि परमेश्वर कहता है कि तू भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करूंगा। जब वो खुदा आपको विश्वास दिलाता है, आपको धैर्य करता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, उस खुदा पर भरोसा रखो, उस कलाम पर भरोसा रखो, उस वचन पर भरोसा रखो जो परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए परमेश्वर हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं इस नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। क्या आज हम यत्न करते हैं, क्या आज हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, क्या परमेश्वर से कहते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर, तू मेरा यहोवा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा और सूखी और निर्जल ऊसर में भूमि पर तेरा मन तेरा प्यासा है। परमेश्वर का वचन में कहता है, मेरा मन मेरा प्यासा है, और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषासी। परमेश्वर का वचन कहता है, अभिलाषी है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आज हमें किसी भी स्थान पे हैं, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, समय जुड़े हुए जितनी भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर जो आपको तृप्त करने जा रहा है, आज आप प्यासे हुए हैं, आज आपका मन टूट चुका है, आज आप हार चुके हैं, आप अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुके, हताश हो चुके, निराश हो चुके, जो इस समय बीमार है, बेड पर लेटे हुए हैं, परमेश्वर उनको ठीक करने जा रहा है सुना के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतें आपकी जिंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। इस रविवार की सभा की प्रार्थना में परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर ये एकमात्र हमारा सरस्थान और गढ़ है, और परमेश्वर ने कहा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर के परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं, और परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए मेरा उद्धार उसी से होता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा उद्धार केवल मुझसे ही होता है और तुझे कहीं उद्धार नहीं मिल सकता है। यदि आज आप उद्धार पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनना चाहते हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारियाँ करते हैं, आपके बच्चे हैं, आपके घर में ब्लेसिंग की आवश्यकता है, परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस जो बंद पड़े हैं, जो आपके घर में कर्जे हैं, श्राप है, बंधन है, वो सब टूटेगा आज इस नाज़री के नाम से। जो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करता है, उनको आशीष देता है, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करता है। आज उस खुदा पर भरोसा रखिए, उस कलाम पर भरोसा रखिए जिसने आपको जिंदगी दी, जिसने आपको जीवन और सांस दिया, जिसने आपके हर एक खटी और कमी को परमेश्वर पूरा किया। आज उसी पर भरोसा रखिए, आज उसी पर विश्वास रखिए कि परमेश्वर का वचन सचमुच कहता है कि तू भरोसा रख, मैं तेरी जिंदगी में अनेक प्रकार के मैं कार्य करूंगा, अनेक प्रकार के तू सक्सेस पाएगा। यदि आज आप सक्सेस पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को और ऊंचाइयों तक लेना चाहते हैं, और अपने घर को बेहतर करना चाहते हैं, हर प्रकार के सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, कार्य के लिए जब तू प्रार्थना करता है, यदि आज आप बहुत सारे इस समय बीमार पड़े हैं, व्यक्ति इस समय रोते हुए हैं, इस समय परेशान है, हताश है, अपनी जिंदगी से लेकर के अपने माता पिता भाई बहनों से लेकर के फैमिली से लेकर के अपने हर प्रकार की चिंताओं से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, परमेश्वर ने कहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज आप विश्राम पाना चाहते हैं, यदि आज अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो आज आपको संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना होगा, उस खुदा पर भरोसा रखना होगा जिन्हें जो परमेश्वर आपको जिंदगी देता है, जो आपको आशीष देता है, जिसमें मसीह भाई बहन जहां तक ये कानों तक आवाज ये पहुंच रही है, परमेश्वर उनको छूने जा रहा है, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर बरकत और आशीष देने जा रहा है, उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां आज वो दूर होंगी। इसीलिए परमेश्वर दाऊद यहां पे कहते हैं कि हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हम तो तोड़ डाला। परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर
दाऊद हमें समझाते हैं, लेकिन जो आज कहते हैं कि हे परमेश्वर तूने तो मुझे त्याग दिया और तूने तो मुझे तोड़ डाला पिता परमेश्वर, तूने तू मुझ पर क्रोधित हुआ है, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दिया पिता परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जैसे हैं पिता उससे हमें स्ट्रॉन्ग कर, उसे मजबूत कर पिता। इस उनासरी के नाम से हम दुआ करते आज मांगते हैं इस रविवार सभा के समय प्रार्थना के समय पिता परमेश्वर हम आप विनती करते हैं, दुआ करते हैं। संडे के समय पिता परमेश्वर इस समय जितने भी मसीह भाई बहन आज विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, उस कलाम पर, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज आपकी आशा नहीं टूटेगी। परमेश्वर ने कहा है कि हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं ना डगूंगा और ना मैं डगमगाऊंगा। आज आपके कदम आपके नहीं डगमगाएंगे। यदि आज आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर आपको संभालने वाला वो खुदा है, वो आपको बरकत देने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है, वो आपकी जिंदगी में हर पल हर समय हर घड़ी आपको पैरों को मजबूत करेगा और आपको स्थिर रखेगा। जिस समय डिप्रेशन में है, जो चिंताएं में है, जो दुख में, मुसीबत में, परेशान है, जो हताश है अपने जीवन से, अपनी लाइफ से, परमेश्वर एक आपको आशा देता है कि उस आशा पर भरोसा रखो। यदि आप इस संसार में है, किसी न किसी के भरोसे होंगे। यदि आज आपके मम्मी पापा आपके आपको पैसा देते हैं तो आप उनके भरोसे हैं। यदि आज आप पैसा कमाते हैं तो उसके बाद आपके बच्चे होंगे तो वो भी आप पे आशा रखेंगे। इसीलिए जब आप एक इंसान के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, एक आशा लगा करके बैठ सकते हैं कि वो मुझे देगा, इसी तरीके वो परमेश्वर खुदा कहता है कि तो मुझ पर आशा तेरी मैं टूटने नहीं दूंगा। यदि आज आप भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि और लोग जुड़ सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, स्तुति करे और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आपको जिंदगी में सर आपको अभिषेक करें यीशु नासरी के नाम से। हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की, आप हमें जीवन देंगे, आप हमें श्वास देंगे आज इस रविवार के समय पिता परमेश्वर, आज हमें बरकत देंगे, आज हमारी हर जीवन की घटी और कमी को आप पूरा करेंगे। आज आप संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। यदि आज आप संसार पर भरोसा रखते हैं, उस व्यक्ति पर भरोसा रखते हैं जो आपको धोखा दे सकता है किसी भी टाइम, किसी भी समय, किसी भी वक्त, वो खुदा कहता है कि तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो मैं तुझे जिंदगी भर संभाल के रखूंगा, जिंदगी भर मैं तुझे पालूंगा और मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया और तुझे मैंने ज्ञान बुद्धि और समझ और ताकत दी है, तो तू मुझ पर भरोसा रख। वो संसार के व्यक्ति पर हम भरोसा रख लेते हैं और वो हमें धोखा दे देता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, मुसीबतें हो जाती है, चिंताओं में घर के लोग परेशान होते हैं। यदि आज आप बीमार होंगे तो आपके घर में बहुत सारे लोग परेशान होंगे, उससे इफेक्ट होंगे, इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, वो खुदा आपसे प्रेम प्यार करता है, वो खुदा आपसे बरकत और आशीष देता है, वो आपसे इतना प्रेम करता है कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, उसके नाम से प्रार्थना करे, दुआ करे, परमेश्वर उसकी जिंदगी में बरकत देता है। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और परमेश्वर आपको सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक आपको संभाल के रखेगा। इस बात को हमेशा याद रखना कि वो खुदा जीवित है, वो परमेश्वर हमारा आज भी जिंदा जीवित हो, परमेश्वर हमारे संग है, उसके स्वर्गदूत हमारे पास है। इसीलिए यदि आज आप सब लोग आज चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश अपनी जिंदगी में, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। यदि इस प्रार्थना को आपको लास्ट तक करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको बहुत सारी बरकत और ढेर सारा प्यार, ढेर सारी आशीषें आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज हम मांगते हैं कि खुदा आज हमारे घर में बरकत दे, आज हमारे घर में आशीष दे, आज मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे हर प्रकार की प्रॉब्लम में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में, हर एक प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, जिस समय हॉस्पिटल में है, जिस समय घर में है, किसी भी स्थान में, किसी भी शहर में, किसी भी स्थान पे क्यों ना हो, आज उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनकी हर एक प्रकार की नॉर्मल जो रिपोर्ट है वो एकदम खत्म हो जाए सुनासरी के नाम से। जो नॉर्मल भी रिपोर्ट है वो भी खत्म होने जा रही सुनासरी के नाम से, कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, जीरो होगा सुनासरी के नाम से। दिया जब विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, इस समय आज परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको 100% परमेश्वर आपको आजादी देने जा रहा है, आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, भरोसा रखिए,
बिलीव करिए कि खुदा वो आज पवित्र है, वो आज आपके सामने है। इस पवित्र दिन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहोवा, कि आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज उनकी ज़िंदगी में आपको ढेर सारी बरकत आप उनको देने जा रहे हैं, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहे हैं। आज उनको संपूर्ण मन से यहोवा उनके पिता परमेश्वर वो आज आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसी बात को भरोसा रखना, यदि आप एक इंसान पर, इस संसार पर भरोसा रखते हैं, किसी व्यक्ति पर भरोसा रखते हैं, तो क्या हम उस खुदा पर भरोसा नहीं रख सकते जिसने मृतकों में से जिलाया, मुर्दों को जीवित किया, अंधे को ठीक किया, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, लोगों को जीवन दिया, लोगों को अनंत काल जीवन दिया। परमेश्वर जो अनंत काल जीवन देने वाला खुदा है, जो आपकी आत्मा को और आपके शरीर को दोनों को नरक में डाल सकता है, आज हमें उससे डरने की जरूरत है। आज हमें किसी संसार के व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है, न ही अंधकार की जो शक्तियां आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में काम करती हैं, वो कब तक काम करेंगी? वो हार करके भाग जाएंगे आपकी जिंदगी सबकी लाइफ से। इसीलिए जो अंधकार की शक्ति है, कर्जे हैं, श्राप है, बंधन है, आज वो सब टूटने वाला है यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग बरकत को, आशीष को पाना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हीं की जिंदगी में ब्लेस करता है, उनको आशीष देता है, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करता है। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखिए, यकीन करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकत देने जा रहा है। परमेश्वर आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा करिए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण करिए यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखिए, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। ये समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से पिता परमेश्वर वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, या आपकी तरफ हाथ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है, वह हर प्रकार की आपकी निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हों, चाहे पत्नी हों, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के शक दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश, आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छो पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं उनके पिता परमेश्वर, जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से, ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर।
आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को चला दी सुनासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दी सुनासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है सुनासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं सुनासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से उनको चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है, आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सिरों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी सुनासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो चाहे जुकाम हो सुनासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो बुखार हो सुनासरी के नाम से, आज वो इनके जीवन से जाए सुनासरी के नाम से, चाहे छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए, रखिए इसी वक्त, अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है, उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज चंगा होने वाला है सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं सुनासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं सुनासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर, अपनी दिल की बातों को आप तक पहुँचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं सुनासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं सुनासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दे यीशु नासरी के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सत्कलम 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप कर्जे बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु
सुनासरी के नाम से, आज वो आपके हर घर से हटने वाली सुनासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली सुनासरी के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स हैं, पिंपल स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीवी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द सुनासरी के नाम से, आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोईयां जाए सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रांग करने जा रहा है, जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही सुनासरी के नाम से, आज आपको छूने जा रही सुनासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रही सुनासरी के नाम से, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर हाई लो की बीमारी है सुनासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके, अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई सुनासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में मुसीबत में है, ये सब ये दबे हुए सुनासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप बंधन कर्जे सब टूटने पाई सुनासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं सुनासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर, ये शादी करना चाहते हैं पिता, इनकी जीवन को छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर, अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते, आज के बाद वो रुकेंगे सुनासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, प्रार्थना करते हैं सुनासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के सामर्थ्य, वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं सुनासरी के नाम से, आपने स्वर्गदूतों को अपनी आज्ञा दी सुनासरी के नाम से, कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न हो, सुनासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें सुनासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर सम्मान करते हैं, हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है सुनासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं, हर प्रकार के जो डिवोर्स है रद्द होने वाले सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले सुनासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं सुनासरी के नाम से, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन।